नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिया है कि क्या आम की एक ऐसी बगिया बनाना संभव है जिसके जो लंबाई है वो क्या है, चौड़ाई से दुगनी हो। ठीक है, जितनी चौड़ाई है उसका दुगना क्या होना चाहिए लंबाई, और यदि उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो तो आपको ज्ञात करना है उसकी लंबाई और चौड़ाई। अब आपके पास दो आकृति होती हैं, आयत और वर्ग। आपको लंबाई और चौड़ाई दी गई है, तो यहाँ पर आप आयत का फॉर्मूले का क्षेत्र मतलब क्षेत्रफल का फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आपको पता लगाना है लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ पर लिखेंगे माना बाग की लंबाई। तो यहाँ पर बाग की लंबाई क्या लेकर चलूंगा मैं, सॉरी यहाँ पर एक बार रहने दें, तो यहाँ पर लिखूंगा बाग की चौड़ाई। अब आप ध्यान से देखें, इसने बोला है कि जो बाघ की जो लंबाई है वो क्या है, चौड़ाई से दुगनी है। तो अगर मैं चौड़ाई एक्स मानकर चलूंगा तो आपके पास लंबाई क्या होगी, उसकी दुगनी यानी कि 2x होगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले चौड़ाई लेकर चला, उसके बाद मैं लंबाई लूंगा। तो बाघ की चौड़ाई आपको एक्स लेनी है, तो उसके बाद आपको बाघ की लंबाई क्या लेंगे, 2x लेंगे। तो अब क्या दिया है कि एक बाघ का क्षेत्रफल, तो बाघ का क्षेत्रफल आपको दिया है 800 वर्ग मीटर, और बाघ आपको पता है आयत के आकार का है, तो यहां पर आयत का क्षेत्रफल लगाएंगे, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आपके पास आयत का क्षेत्रफल पहले से दिया है 800 वर्ग मीटर, बराबर लंबाई आपके पास है 2x गुणा में चौड़ाई आपके पास है x, तो 2x की गुणा x के साथ करेंगे तो 2x की पावर 2 रहेगा, बराबर में आपको क्या मिलेगा, 800। अब ये 2 है, 2 कहाँ जाएगा कैंसल होने के बाद, भाग में, और जब 2 को 400 800 से भाग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 400। यानी आपको x की पावर क्या मिली है, 400 मिली है। अब x के साथ जो वर्ग है उसको हम उस तरफ लेके जाएंगे, तो वर्गमूल प्लस माइनस दोनों का रहेगा। तो यहाँ पर x का मान आपको क्या मिलेगा, एक तो प्लस का 20, क्योंकि √400 का मान क्या होता है, 20, और एक आपको मिलेगा माइनस का 20। तो आपको पता है लंबाई और चौड़ाई आप माइनस के अंदर नहीं रखते, तो यहाँ पर आपको एक्स का मान प्लस का 20 रखना होगा। तो अगर उसकी बाघ की चौड़ाई 20 है तो उस बाघ की लंबाई 2 गुणा में 20 यानी किसके बराबर होगी, 40 के बराबर होगी, और ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान था और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, देखते हैं, बिल्कुल ही आसान। इसने बोला है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे, दो मित्र दिए हैं आपको, अगर उनकी आयु का योग अगर मैं 20 लेकर चलूं तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ठीक है, तो अब की अगर मान के चलते हैं तो उनकी आयु का योग कितना है, 20 वर्ष है। तो आपके पास दो मित्र दिए हैं, तो मैं लिखूंगा पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु अगर मैं एक्स वर्ष मानकर चलता हूं तो आप बताएं कि दूसरे मित्र की आयु क्या होगी। अगर मैं यहां पर लेकर चलूं कि पहले मित्र की आयु एक्स है तो दूसरे मित्र की क्या होगी। अब आपके पास एक टोटल जोड़ दिया गया, यानी पहले मित्र और दूसरे मित्र की आयु का जोड़ कितना है, 20। अब मैं टोटल में से पहले मित्र की आयु माइनस करता हूं, तो यानी 20 में से अगर मैं एक्स माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, दूसरे मित्र की आयु। तो यहाँ पर अगर आपको दूसरे मित्र की आयु लेनी है तो 20 माइनस एक्स लेकर चलेंगे, तब आपके पास दूसरे मित्र की आयु होगी। अब इसने बोला है 4 वर्ष पश्चात, तो हम क्या लेंगे, 4 वर्ष पश्चात पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु क्या होगी, माइनस का होगा 4, क्योंकि इसने क्या बोला है, पूर्व यानी कि पहले। तो हम क्या लेंगे, एक्स माइनस 4 वर्ष लेंगे, और 4 वर्ष पश्चात दूसरे मित्र की आयु, तो दूसरे मित्र की आयु क्या होगी, 20 माइनस एक्स उसकी वर्तमान आयु है, और उसमें से 4 माइनस कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 20 माइनस 4 यानी 16 माइनस का एक्स वर्ष उसकी 4 वर्ष पूर्व आयु। तो इसने बोला कि अगर 4 वर्ष पूर्व जो आयु है उनका गुणनफल यानी उनकी जो गुणा करेंगे हम, यानी कि मैं एक्स माइनस 4 की गुणा 16 माइनस एक्स के साथ अगर करता हूं तो मुझे आपको इनकी गुणा क्या मिलेगी,
48 के बराबर मिलेगी। अब आपको इन एक्स का मान ज्ञात करना होगा सिंपली। तो एक्स की वैल्यू, एक्स का मान ज्ञात करना है तो एक्स की 16 के साथ, और फिर एक्स की 4 के साथ, फिर -4 की 16 के साथ, और -4 की -x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर देखें, एक्स 16 की एक्स के साथ 16x, माइनस का सिंबल, एक्स की पावर यहाँ पर 2 होगी, माइनस का सिंबल, 16 चौके 64, माइनस माइनस प्लस 4x बराबर में 48। तो हम क्या करेंगे, माइनस का एक्स की पावर 2 पहले रखेंगे, यहाँ पर प्लस का एक्स 16x है और यहाँ पर प्लस का 4x, तो प्लस का क्या होगा 20x, यहाँ पर माइनस का 64 रहेगा, इस तरफ आने पर ये भी माइनस का बराबर में 0। तो सोल्व करेंगे, एक्स की पावर 2 प्लस का 20x, दोनों माइनस के हैं तो माइनस, और इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 और 4 12 ऐसे लगी एक, यहाँ पर क्या मिलेगा 112 बराबर में 0। तो अब आपके पास एक्स की पावर 2 वाली क्या होती है, माइनस के अंदर नहीं होती, आपको प्लस लेनी होती है। इनके सबके सिंबल चेंज करूंगा तो एक्स की पावर 2 माइनस का 20x और यहाँ पर प्लस का 120 बराबर में 0 आपको मिला है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, पूर्व है, और यहाँ पर आपको 120 नहीं सॉरी 112 लेना होगा। तो अब आपको क्या करना है कि 112 आपके पास गुणानी चाहिए और 20 माइनस का ऐसी संख्या जिनको दोनों को जोड़कर प्राप्त करेंगे। तो ऐसी आपके पास कोई संख्या नहीं है तो आपको इस्तेमाल करना है 20² - 4 इसी वाले फॉर्मूले का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए बी और सी का मान ज्ञात करेंगे। ए का मान 1 है, बी का मान आपके पास माइनस का 20 है, और सी का मान आपके पास 112 होगा। तो इस फॉर्मूले में रखने पर माइनस का बी यानी सॉरी बी का स्क्वेयर यानी कि माइनस का 20 की पावर 2 -4 गुणा में ए का मान है 1 गुणा में, और सी का मान क्या है 112। अब माइनस का 20 की पावर 2 यानी कि 20 की पावर होती है पूरा 400 सॉरी माइनस 4 × 4 और 112 यानी कि 112 के मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 4 × 2 = 8, 4 × 4 यानी कि क्या मिलेगा आपको 448। अब इन दोनों संख्याओं में जो बड़ा है वो माइनस का है तो माइनस रखेंगे, 448 में से 400 गए तो आपको 48 मिलेगा। और मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि 20² - 4ac की वैल्यू अगर माइनस में आती है तो ये चीज क्या है, संभव नहीं है। तो आप लिख सकते हैं कि उनकी आयु संभव नहीं है, उनकी आयु पता लगाना संभव नहीं है, और यह क्या आपका फाइनल आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क की मूल पार्क को बनाना संभव है, तो आपको उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो माना पार्क की लंबाई, तो यहाँ पर लंबाई नहीं दी तो यहाँ पर मैं क्या मानूंगा, एक्स मीटर मानकर चलूंगा, और माना पार्क की चौड़ाई, तो चौड़ाई यहाँ पर आपको कोई अलग से हिंट नहीं दिया तो यहाँ पर हम वाई मीटर ही लेकर चलेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको परिमाप दिया गया है, ठीक है। तो पारक का परिमाप, और आपको पता है कि पारक का परिमाप यानी कि आयत का परिमाप रखना होगा। तो आयत का परिमाप होता है, क्योंकि पारक क्या है, एक आयत की आकृति का है, तो 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस में चौड़ाई, ये होता है आयत के परिमाप का फॉर्मूला। तो आयत का परिमाप आपको दिया है 80 बराबर में 2 ब्रैकेट, एल का मान है एक्स प्लस में वाई, तो आप एक्स प्लस वाई रखा, अब यह 2 गुणा में ही इस तरफ जाएगा, भाग में कैंसिल होने पर आपको मिलेगा 40, यानी कि एक्स प्लस वाई बराबर में क्या मिला आपको, 40 के बराबर मिला। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, समीकरण नंबर 1। तो आगे दूसरी बात बोली किसने कि उसका क्षेत्रफल क्या है, 400 मीटर स्क्वेयर है, तो यहाँ पर लिखूंगा आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल आपको दिया है 400 मीटर वर्ग, लंबाई आपके पास एक्स है गुणा में चौड़ाई आपके पास वाई है। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप एक्स का मान ज्ञात करें, तो यहाँ पर आपको समीकरण नंबर 1 के अंदर एक्स का मान क्या मिलेगा, 40 माइनस का वाई मिलेगा। तो यहाँ पर एक्स की जगह क्या रखूंगा मैं, यहाँ पर जो क्षेत्रफल के अंदर एक्स की जगह मैं 40 माइनस
वाई को रखूंगा, यानी कि 400 बराबर में एक्स की जगह क्या रखा, 40 माइनस वाई ब्रैकेट गुणा में वाई। तो अब गुणा करेंगे यहाँ पर, 40 की वाई के साथ करेंगे तो आपको 40 वाई मिलेगा, माइनस का सिंबल, वाई के साथ तो वाई की पावर 2 बराबर में आपको क्या मिलेगा 40। और जब 40 को मैं इस तरफ लेके आऊंगा प्लस का, तो यहाँ पर माइनस का 40 बराबर में 400 बराबर में 0 होगा। तो अब क्या करना आपको, इसका सिंबल चेंज कर देंगे क्योंकि माइनस का वाई की पावर 2 हम नहीं रखते, तो यहाँ पर प्लस का वाई की पावर 2, ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस का 40 होगा और यहाँ पर क्या होगा प्लस का 400 बराबर में 0। हमने सिंबल चेंज किए। अब आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है दो जिनकी गुणा करूंगा तो आपको 400 आए और जोड़ने या घटाने पर माइनस का 40 आपको मिले। तो ऐसी दो संख्या है आपके पास, माइनस का 20 और माइनस का 20, माइनस माइनस प्लस का 400 और -20 -20 माइनस का 40। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहला पद और आखिरी पद वैसे का वैसा बराबर 0 के, और इसकी जगह रखेंगे माइनस का 20 वाई और माइनस का 20 वाई। आपके पास दो ग्रुप है, पहले ग्रुप में y कॉमन निकाला तो यहाँ पर आपको y माइनस 20 मिलेगा। अब यहाँ पर देखें कि इस पहली ब्रैकेट में क्या है y, तो यहाँ पर हम दूसरे ग्रुप में y को अकेला कैसे रखें जब आप माइनस का 20 को बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा y सिंबल चेंज, और यहाँ पर क्या बचेगा 20 बराबर में 0। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपको कॉमन मिलेगा y माइनस का 20, और आपको कॉमन निकलने के बाद यहाँ पर y माइनस का 20 आपको मिलेगा, तो इसको क्या करेंगे 0 के बराबर, यानी y माइनस का 20 बराबर में 0 और दूसरी तरफ y माइनस 20 बराबर में 0 की तरफ, तो हम क्या करेंगे y का मान यहाँ पर आपको 20 मिलेगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर y का मान भी उस तरफ जाने पर आपको प्लस का 20 मिलेगा। ठीक है, तो अब आपने क्या y का मान 20 निकाला, तो यहाँ पर x का मान निकालने के लिए y बराबर 40 माइनस में y का मान आपको 20 मिला था, तो यहाँ पर एक्स का मान भी आपको क्या मिलेगा 20। तो आप पता लगा सकते हैं कि ऐसी पारक है जो क्या है, जिसकी लंबाई आपके पास 20 मीटर और चौड़ाई भी क्या होगी आपके पास 20 मीटर। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन था। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करें।